पौधारोपण के बाद फोटो सेशन और वाहवाही लूटने की खबरें बहुत सामने आती है, लेकिन वे पौधे पेड़ बनते हैं या नहीं इसका ठिकाना नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे पर्यावरण प्रेमी भी है जो काम को प्रचारित करने की बजाय हकीकत में अमली जामा पहना रहे हैं। बात मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के हनोतिया जाकिर की है, जहां पर सागौन के पेड़ का एक जंगल बना दिया। इस काम में 40 साल की मेहनत है और ये कर दिखाया समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी उमर खान ने। वह पिछले 40 साल से पेड़ों का संरक्षण कर रहे हैं। अब तक वह 12,000 सागौन के पेड़ लगा चुके हैं। सरकार की ओर से उनको कोई मदद भी नहीं मिली। हनोतिया गांव में करीब 10 एकड़ जमीन में सागौन के पेड़ों का जंगल है। वन माफिया भी यहां सक्रिय हैं। हजारों पेड़ों की कटाई भी करके ले गए। उमर का कहना है कि उन्होंने फॉरेस्ट से निवेदन भी किया है कि वह अब इसका जिम्मा उठाए, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बेरसिया के विधायक विष्णु खत्री ने उमर के इस प्रयास की सराहना करते हुए उनका सम्मान भी किया। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। पर्यावरण दिवस के एक दिवस बाद आज यहाँ पर हनोतिया जागीर के अंदर वृक्षारोपण का और पर्यावरण जागरूकता के संबंध में आज यहाँ पर ग्रामवासी आज फार्म हाउस पे एकत्र हुए हैं। और पीछे आप देख रहे हैं इतना सुंदर सागौन का जो है एक संरक्षित क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से आज पूरा विश्व जूझ रहा है और आज इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आज ग्रीष्म ऋतु में हम देख रहे हैं कि कभी भी पानी गिर रहा है, एक दिन में तीनों मौसम सर्दी गर्मी बरसात का एहसास लोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का प्रमाण है। और ये सब इसलिए है कि हम कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति जो हमारा नज़रिया है वो बदला है। हम उसका प्रकृति का दोहन की जगह हम उसका शोषण करने लगे हैं। लगातार पेड़ कट रहे हैं, वन कम होते जा रहे हैं। इसलिए ये आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में ये कहीं ना कहीं संदेश है कि हम हमारी इस प्रकृति को सजोएं, संवारें और वृक्षारोपण करें। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी प्रतिदिन वृक्ष लगा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं और विश्व पटल पर भी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर यदि कोई दिशा देने का काम कर रहा है तो वह भारत कर रहा है। और क्योंकि हम हमेशा से प्रकृति पूजक रहे, हमने नदियों को, पहाड़ों को, वनों को हमने देवता के रूप में माना है, इसकी पूजा की है, तो कहीं ना कहीं इसका संरक्षण और संवर्धन की आज आवश्यकता है। और आज यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी हमारे ग्रामवासी यहाँ एकत्र हुए। मैं विधायक इस नाते से सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नहीं, वो खेलों के प्रति तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले तो मैं आपके बताता हूँ। ये वृक्ष वगैरह जो मैंने लगाए हैं, आज ये मैंने 85 में सऊदी अरब से वापस आए थे, उसके बाद से प्लांटेशन किया और इसको फिर आपके विल्फ्रेड लकड़ा कमिश्नर साहब थे, उन्होंने इसे काउंट कराया तो उसका पंचनामा बना के 15,000 वृक्ष आपने लगाए, जिसमें 12,000 तो सागौन के पेड़ हैं। वो मैंने पाल पोस के आज इतने बड़े कर दिए आपके, जिसमें मैंने 40 साल की मेरी मेहनत है और कम से कम 10-20 लाख रुपए मैं अपनी जेब से खर्च कर चुका। मेरा कहना ये है, मुझे 97 के अंदर जब शिव नेताम जी फॉरेस्ट मिनिस्टर थे और पूरा PCCF, CCCF, DFO सब यहाँ पर आए, सब ने आकर मुझे सम्मानित करा और उन्होंने ये कहा कि ये आज की तारीख में 1 करोड़ की संपत्ति है और हमारा वन विभाग ये काम नहीं कर सकता जो आपने अकेले दम से काम कर दिया। तो मैंने वहाँ पे सर ये बोला उनसे, मैंने कहा साहब ये 1 करोड़ की संपत्ति मैं सरकार को दान करता हूँ, मुझे एक पेड़ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। मैं अब आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि इसका आप अब देख रेख रखवाली आप कर लो, क्योंकि यहाँ पे लोग पेड़ काटते हैं, माफिया वाला के पेड़ काटते हैं और मैं मना करता हूँ। मैंने 4-4 इंग्लिश ब्रीड के कुत्ते पाल रखे थे, तो गार्ड छोड़ रखे थे उनकी रखवाली करने के लिए, तो अब ये मेरे बस की नहीं है। पूरे गांव वाले मेरी हरिजन कल्याण के में कहाँ कहाँ मेरी रिपोर्टें करते रहते हैं, मैं परेशान आ गया हूँ, तो भाई साहब इसकी रखवाली कर लीजिए, खाली मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनका हाँ हम रखवाली करते। मैंने कहा एक आप फॉरेस्ट गार्ड छोड़ दीजिए, यहाँ से वहाँ तक फेंसिंग करा दीजिए, मेरी वो हो जाए। नहीं नहीं हम सब कराएंगे, सब कराएंगे। सर ये कहते हुए मुझे बड़ा होता है, आज इतने साल के बाद जो मैंने 12,000 सागौन के पेड़ थे, आप काउंट करिए जाके,
हार्डली अब 1000-2000 पेड़ बचे होंगे, 10,000 पेड़ कर कितने एकड़ में थे सर ये साहब? ये तकरीबन 10 एकड़ की जाओ, ये चक्कर क्या, ये रेवेन्यू का पहाड़ है, ये इससे लगा मेरा पूरा खेत है। मैंने यहाँ पे प्लांटेशन कर दिया, जब प्लांटेशन कर दिया मैंने सिर्फ हरियाली के लिए और इन्वायरमेंट अच्छा रहे, पर्यावरण के लिए, ग्रीनरी रहे, इसके लिए मैंने काम किया। लोगों को पसंद नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मैंने बोल दिया सरकार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।